वाला जो बिल्डिंग है ना, इसमें है एग्ज़ाम इसका। आई थिंक जनवरी में मेरा 6th फ्लोर में पड़ा था, तो इस बार देखते हैं। तो चलो भाई अभी जाते हैं ना, बैग रखने को भी जगह है वो पे। तो अभी आई थिंक लाइन देकर हमको अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार तो पहली बार जब आया था ना इसमें भाई लाइन देकर जाना पड़ा था अंदर। इस बार थोड़ा सा जल्दी आया ना, पर 2 घंटा पहले तो अंदर जा रहा हो। सभी आई थिंक एग्ज़ाम दे गए यहाँ पे। उसके अंदर जाकर 2 काम करना पड़ता है। एक जो एडमिट कार्ड में कुछ साइन टाइन या फिर रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर जाकर फ्लोर रूम नंबर देखना पड़ता है। थोड़ा सा ही काम है, अभी ऐसे बैग टैग रख के अंदर जाऊंगा। चलो सोचो भाई भीड़, क्योंकि इसका थोड़ा सा खड़ा है इस पार से। देखो भीड़ भाई साहब, गाइस फुल बिल्डिंग। तो चलो मैंने जो बोला भाई फिजिक्स में सबसे अच्छा, तो हाँ हुआ। मेरा अभी मेट्रो धरेंगे उसके। तो ये रहा हमारा, मेरा पड़ा था 2nd फ्लोर में 7 रूम नंबर या समथिंग। मेरा रूम में भाई बहुत ही कम लोग था, तो हाँ। और 2 मैम पढ़ा था, वो दोनों बहुत अच्छा था, तो हाँ। चलो बहुत अच्छा लगा। इस तो लाइन भैया तक आ गया है, पर मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं कोई लाइन पाता हूँ कि नहीं। इतना बड़ा लाइन में तो खड़ा होना इम्पॉसिबल है, तो हाँ चलो। भाई बहुत लंबा है, आज तो एक्सीडेंट में चढ़ गई, दिन बीता बीत गया। तो अभी पापा द हीरो आ रहा है। धिन 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 साउथ इंडिया का हीरो। चलो चलो अभी ट्रेन भाई दिन भाई ड्राइंग चल रहा है। वाओ चलो, सब बैठा है ना यहाँ पे, ड्रॉ कर रहा है। क्योंकि अभी 12:30 बज रहा है, 12:30 क्या 1 के अंदर। तो आप सबने इस पहले का वीडियो में देखा था कि मैं जेईई मेन के लिए जर्नी करके, ट्रेन जर्नी, मेट्रो जर्नी करके कोलकाता से आया है, उस सेक्टर 5 में। यहाँ पे जो गीतो वितन है वो अभी एग्जाम पड़ा है, तो उसके लिए पापा और मैं आया हूँ आज, मम्मी नहीं आया। तो हाँ, एक पार्ट में देख लिया, तो अभी दूसरा पार्ट शुरू करो। अभी मैं कुछ देर बाद ही, 3 बजे से एग्ज़ाम है, तो कुछ देर बाद ही एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चला जाऊँगा। वाटर बॉटल और एडमिट कार्ड, 2 कॉपी फ़ोटो, 2 ट्रांसपेरेंट पिन और भाई घड़ी फड़ी सब खोल के जाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगा कुछ देर बाद ही, 3 बजे अभी तो 1 बज रहा है। ठीक, तो चलो। तो अभी राइट टाइम है, 1:12 हो रहा है, तो चलो अभी जाऊंगा अंदर। या से थोड़ा दूर बाद ही है, ये तो नेक्स्ट लेवल है, तो चला जाऊंगा अंदर। ACTC है तो हाँ। और मैं और पापा बेसिकली भाई इस पार्क में थे इतना देर, खाया पिया या से, खाना पीना भी डन, डाल्टा ले आया था। तो चलो जाऊंगा सब रेडी करके, तो चलो बस लग रहा है, तो जो भी हो जितना होगा अच्छे से दे दूंगा। ये पार्क तो है बहुत ही सुंदर था, तो हाँ चलो उस तरफ आई थिंक बैठ लेते। तो हाँ सामने आई थिंक लाइन भी शुरू हो गया, तो मैं मेरा घड़ी टड़ी खोल कर ही जाऊँगा अंदर। मास्क भी अलाउ नहीं है, तो हाँ अभी से आई थिंक लाइन शुरू हो गया, सामने है लाइन। तो चलो दिखाता हूँ, और यहाँ पे सब बैठा है मम्मी पापा सब। लाइन तो बहुत बड़ा होगा, और वो जो ब्राउन कलर का जो बिल्डिंग देख रहे हो वो ही है। इस तरफ भी बहुत सारा बिल्डिंग है। हम लोग थोड़ा सा लेट में ही निकलते थे, पर इतना गर्मी पड़ गया है ना, अंदर चले ही जाते हैं। तो
ये वाला नहीं है, इसका बात का जो है सिर्फ भाई सब इंजीनियरिंग का बिल्डिंग फील्डिंग है। चलो वाला जो बिल्डिंग है ना इसमें है एग्ज़ाम इसका, आई थिंक जनवरी में मेरा 6th फ्लोर में पड़ा था, तो इस बार देखते हैं। तो चलो ये वाला भी है, तो चलो चलो भाई अभी जाते हैं। यहाँ पे ना बैग रखने को भी जगह है वो पे, तो अभी आई थिंक लाइन देकर हमको अंदर जाना पड़ेगा। हाँ एक बार तो पहली बार जब आया था ना इसमें भाई लाइन देकर जाना पड़ा था अंदर, इस बार थोड़ा सा जल्दी आया ना, पर 2 घंटा पहले तो अंदर जा रहा हो, सभी आई थिंक एग्ज़ाम दे गए यहाँ पे। उसके अंदर जाकर 2 काम करना पड़ता है, एक जो एडमिट कार्ड में कुछ साइन टाइन या फिर रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर जाकर फ्लोर रूम नंबर देखना पड़ता है। थोड़ा सा ही काम है, अभी ऐसे बैग टैग रख के अंदर जाऊँगा। चलो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेना डन, और 2 कॉपी फ़ोटो और क्या बोल और 2 पेन लेना डन, और वाटर बॉटल भी ले लूँगा। तो चलो अभी जाते हैं, तो अभी खोल लूँगा। तो हाँ चलो, तो इसके अंदर भाई अभी एग्ज़ाम होगा, तो चलो पापा को उस पर रख कर आ गया थोड़ा सा दिखाने के लिए, एक बार दिखाया था। तो हाँ अभी वो जो सामने गेट है वो से अंदर जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम होता है। चलो दिखाता हूँ, मतलब दिखा तो नहीं पड़ूँगा, तो एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। चलो 3 आवर मतलब 4 आवर तो हो जाएगा 6:30 बजे, तो चलो 3 आवर के बाद मिलते हैं। तो हाँ वहाँ से होगा आई थिंक एंट्री। बाय। अभी भाई बैग को सेफली रखना ही बहुत मुश्किल का काम है, तो चलो 3 आवर के बाद। 3 आवर्स लेटर एग्जाम देकर बाहर आ गया हूँ। तो हाँ फिजिक्स भाई बहुत अच्छा रहा, मैथ भी अच्छा रहा, और केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। तो जो भी हो फिज़िक्स में A to Z 20 में 20 आंसर किए, और जो न्यूमेरिकल था थोड़ा सा अवॉइड करके ही चला। तो फिज़िक्स में सबसे अच्छा, क्योंकि फिज़िक्स में फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैथ और केमिस्ट्री में हुआ अच्छा ही। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं सबसे फर्स्ट जो जो निकल रहा है उसमें से एक निकला हुआ आज, तो जो भी हो चलो थोड़ा सा दिखाता हूँ वहाँ पे जाकर। पापा भाई अभी ही बैठा था ये वाला ना इस पार्क में। चलो अभी सब निकल रहा है बेसिकली, तो चलो गेट के उधर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। वो उस तरफ हट के आया, तो चलो सब बोल रहा है कि अच्छा ही हुआ। रोड के पास में पापा मम्मी सब खड़ा है, मैं चला जा पाता, बस थोड़ा सा सोचा कि दिखा देता हूँ गेट का उधर जाकर। तो चलो मैं जब निकल रहा था भाई इतना भीड़ था, क्या बोलूँ, सोचो भाई भीड़। रोड के इस पर थोड़ा सा खड़ा है, इस पार से देखो भीड़ भाई साहब। तो ये जो भाई सेंटर है यहाँ पे भाई इतना सीट है, मैं क्या बोलूँ, हर एक फ्लोर में, और इतना सुंदर से डेकोरेशन, बहुत सुंदर लगा यहाँ पे दो बार एग्ज़ाम देकर। तो हाँ गाइस फुल बिल्डिंग, तो चलो मैंने जो बोला भाई फिजिक्स में सबसे अच्छा, तो हाँ हुआ। मेरा अभी मेट्रो धरेंगे, उसके बाद ट्रेन। तो हाँ मेरा पुल बहुत बड़ा है भाई, चलो मुझे वहाँ से दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा, मेरा पड़ा था 2nd फ्लोर में 7 रूम नंबर या समथिंग था। मेरा रूम में भाई बहुत ही कम लोग था, तो हाँ, और 2 मैम पड़ा था, वो दोनों बहुत अच्छा था। तो हाँ चलो बहुत अच्छा लगा। घर भाई देख रहा जा रहा है वो, देखो ऐसा सिस्टम था बॉक्स बॉक्स करके, कोई भी दूसरे को पूछ नहीं पाता था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे 2nd बार आकर। तो हाँ चलो पापा भाई 3 आवर से बैठा था, अभी कितना बज रहा है, 6:36। चलो ये जो सेंटर है ना भाई, यहाँ पे 9th फ्लोर है, आई थिंक 6, 7, 8 फ्लोर तक तो हमें नहीं जानता श्योरली, बट वैसा ही कुछ है। मेरा
पढ़ा है, पहली बार पढ़ा था 6th फ्लोर में, अभी पढ़ा है 2nd फ्लोर में। और इसके सामने ही एक क्या बोलूँ, एक इंजीनियरिंग कुछ है, इंजीनियरिंग ऑफिस टॉफिस कुछ। और इसके पास सामने ही है ऐसा एक क्या बोलूँ, इसमें भाई सब जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी होता है वो हुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो ये था बिल्डिंग, मतलब गीतो वीतन इसका नाम है, बहुत सुंदर था। तो चलो एक बार लास्ट देख लेता हूँ। एक एक फ्लोर में इतना स्टूडेंट्स था क्या बोलो, और इतना सुंदर से डेकोरेशन, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एग्जाम देकर एग्जाम अच्छा भी हुआ है, तो आई थिंक 62 आंसर किया क्वेश्चंस। तो चलो अभी घर में चलो, साइड से भाई कुछ ऐसा लग रहा है, और तो और नहीं आऊंगा। चलो ऐसे ही हो जाएगा खत्म। तो हाँ, दो आइसक्रीम शॉप्स था और क्वालिटी वॉल से ही एक लूंगा। चलो पापा जल्दी करो। तो हाँ, तो अभी बेसिकली भाई कॉर्न टॉर्न सब आइसक्रीम ख़त्म हो गया, तो अभी दूसरा जगह से आई थिंक खरीद लूँगा। तो चलो यहाँ पे फिर से क्वालिटी वॉल्स का आ गया, अभी ऐसे एक लूँगा। आई थिंक यहाँ पे है भाई भैया का। चलो एक कुछ लेकर जाते हैं। एक भाई पीस ले लिया, आई थिंक 50 रुपी का है। तो चलो जाते हैं, टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल है। तो हाँ, तो के अंदर भाई एक नेक्स्ट लेवल लग रहा है, और जाए बोलो। तो हाँ, पापा ने ही खाया, पापा जल्दी करने बोल रहा है, कितने इतना सुंदर चीज़ कैसे जल्दी खाऊँ। तो हाँ, तो अभी खाते खाते हट कर जा रहा हूँ। तो चलो, तो पास में एक रोड है आई थिंक। तो हाँ, तो अभी ऐसे पुलिस मैन रोड पार कर रहा है। तो चलो, अभी जैसे पार हो रहा है। तो हाँ चलो, ये तो भाई मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ होगा जो देख रहा हूँ, उछल जाएंगे देख के। तो भाई जानलेवा भीड़ लग रहा है मेट्रो में होगा, ट्रेन में तो सोचने का पर है, क्योंकि ट्रेन में और भी ज्यादा भीड़ होगा, भीड़ से पूरा कुचल जाएंगे। इसको कहते हैं भाई भीड़। ओ भाई, पापा सबसे लेट में हो गया, जल्दी आओ। चलो, तो लाइन भाई यहाँ तक आ गया है, पर मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं कोई लाइन पाता हूँ कि नहीं। इतना बड़ा लाइन में तो खड़ा होना इम्पॉसिबल है। तो हाँ चलो, यहाँ पे आई थिंक लाइन हो रहा है, तो इस लाइन में खड़ा होता हूँ। भाई काउंटर एक में ही इतना भीड़ है, क्यों मैं नहीं जान पाता, और इस लाइन में भाई भीड़ नहीं है, 2-3-4 में। तो यहाँ पे भाई एक मशीन है, पर मशीन में आई थिंक काम नहीं हो रहा है, और उस लाइन से भाई दो लोग झामेला कर रहा था, तो मैं तो निकल गया क्योंकि झामेले में मैं नहीं जाता। तो बहुत सारे लोगों को ही बोल रहा था, मैं भाई झामेला के अंदर ही नहीं गया। तो चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे भी आई थिंक एक टिकट का मशीन है, पर काम नहीं चल रहा है, तो पापा को इस लाइन में बोला खड़ा होने, तो देखते हैं। तो हाँ, तो अभी भाई पापा अकेले खड़ा है लाइन में, मैं अभी थोड़ा सा इस तरफ आ गया हूँ। भीड़ तो भाई नेक्स्ट लेवल है, 7:10 है ट्रेन, अभी 7 बज रहा है, तो क्या करूँगा, अभी देखते हैं पाता हूँ कि नहीं। इतना भीड़ में भाई जाना इम्पॉसिबल है, तो जो भी हो मेट्रो में भाई इतना भीड़, तो देखो हमारा इंडिया का हालात क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गया। टिकट तो भाई पा गया, चलो बैग पा गया, अभी चलो चलो पापा भाई अभी जल्दी जल्दी आशो आशो, चलो जल्दी से जाता हूँ, ट्रेन आई थिंक आ गया है। मैं यहाँ से ही भाई दौड़ के आ गया, भाई पापा आ रहा है, पापा को छोड़कर कैसे जाऊँ, है ना। चलो, मेट्रो अभी भी नहीं आया है। अभी इस तरफ जाते हैं भाई, आई थिंक इस तरफ सीट है पूरा मेट्रो स्टेशन, अभी भी नहीं आया, इतना दौड़ रहा था अभी भी नहीं ढूंका है मेट्रो। फालतू हो गया, कोई कारण के वजह से ही दौड़ा, एक्सेलेटर में भी नहीं होता, दौड़ के सीट से आया, अभी नहीं आया है मेट्रो। 10 बजे आएगा, अभी आई थिंक 8 बज रहा है। तो हाँ, उस तरफ भाई भीड़ तो देखो,
7 बज रहे हैं, अभी 3 मिनट है भाई। भीड़ तो होगा क्योंकि इस टाइम में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। तो अभी हम लोग उस तरफ से छोड़कर सामने किस तरफ जा रहे हैं, आई थिंक होगा इस तरफ भी। 7:09 हो रहा है कोलकाता का भाई, ट्रैफिक दिखा देता हूँ। वो वहाँ पे है मेट्रो खड़ा होकर, आई थिंक अभी राइट 7:10 राइट। हमारा उस तरफ भाई बहुत भीड़ है, उस सब साइड से एक साइड ही भीड़ कम है। 16 बजे तो 16 बजे ही छड़ेगा अभी, आई थिंक छोड़ दिया। चलो बस चलो भाई आगे। अभी अभी भाई लकी होने पे ही पाओगे जगह। दरवाजे बाईं ओर खुलें, कृपया गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। कृपया दरवाजों से हटकर वाईफाई भी नहीं है, मतलब फोन भी नहीं कर सकता, तो गाड़ी एवं प्लेटफॉर्म थोड़ा सा भाई और तो है जगह, तो जो भी हो चलो। फाइंड द गैप बिटवीन द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म। अगला स्टेशन फूल बगान, गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। बैग का कलर भाई सेम, मनी बैग सेम सेम ब्लैक ब्लू उस दीदी का। अभी आई थिंक शियालदा भाई आ गया, तो चलो नामूंगा अभी तो। हाँ 30 मिनट्स का रास्ता था, तो हाँ तो अभी आई थिंक शियालदा स्टेशन आ गया। चलो चलो अभी नाम से है ये मेट्रो में सबसे मज़ा आया सर, तो हाँ। और एग्जाम हॉल में जाकर क्योंकि वहाँ पे एसी था। चलो मेट्रो भाई कितना लंबा है देखो, उस तरफ से और हम लोग इस तरफ आए थे, तो उसके लिए यहाँ से ही एक्सेलेटर में उठ जाएंगे। तो चलो तो हाँ बाबा वही दिखे बात से वही दिखे सुविधा लाइन है यहाँ पे है भाई लास्ट लाइन आज का। इस लाइन के बाद आज लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो पूरा दिन भाई लाइन से ही खड़ा हुआ यहाँ से जाने के समय, उसके बाद एग्जाम हॉल में, उसके बाद ट्रेन के लिए भाई बहुत जगह बहुत। तो हाँ चलो दो तरफ ही है लाइन। तो अभी मैं तो निकल गया भाई, पर पापा का आई थिंक काम नहीं हो रहा है क्योंकि पापा ने मुझको दिखा कर आया। तो चलो तो मेरे लिए भाई पापा भाई फंस गया क्योंकि मेरा भाई टिकट गुम गया है, मैं नहीं पा पा रहा हूँ। पर पापा ने पापा का टिकट से मुझे आने दिया, पर पापा ही लास्ट में आ नहीं पा रहा था, तो उसके बाद स्टाफ दिखा का लास्ट में आ पाया। तो चलो पापा को एक बार थैंक यू बोलता हूँ। चलो भाई फिर से एक्सेलेरेटर भाई कितना लंबा है देखो, यहाँ पे है पापा वहाँ पे एक्सेलेरेटर भाई साहब। चलो चढ़ गया भाई बहुत लंबा है, आज तो एक्सेलेरेटर में चढ़ गई, दिन भी तक बीत गया। पापा है भाई वो पे छोटा सा, हमारा ट्रेन भाई बहुत ही लेट है, तो उसके लिए पापा के लिए वेट करता हूँ। अभी पापा द हीरो आ रहा है, साउथ इंडिया का हीरो। चलो चलो अभी ट्रेन ट्रेन भाई 8 बजे है, अभी 7:30 बज रहा है, बहुत समय है। अप एंड डाउन दोनों ही काट लिया था हाँ। चलो अभी जाते हैं फिर स्टेशन। पापा भी बाथरूम ढूंढने गए हैं,
तो ये स्टेशन देखो भाई कितना बड़ा है भाई साहब। प्रभु जी का स्टोर्स तो देखो हल्दीराम्स का, वाव जी हल्दीराम्स का स्टोर देखो शियालदह के जैसा ही लंबा है ना, जाते जाते स्टोर भाई छोटा होता है बट ये लंबा है, हॉरिजेंटली दिखाए तो ऐसा लगता है शियालदह स्ट्रीट। चलो तो पापा भी कहाँ चला गया मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इतना बड़ा स्टेशन में भाई कैसे ढूंढूं, चारों ओर देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे तो ज्वेलरी शॉप है आई थिंक भाई, ड्राइंग चल रहा है। वाओ चलो सब बैठा है ना यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है भाई, ड्राइंग देखने गया वहाँ पे फिर से पापा को भाई घुमा दिया, अभी कहा गया देखो मुझे ना ही नहीं लेकर चले जा रहा है, अभी इतना लोगों के अंदर कैसे ढूंढूं। भीड़ तो भाई यहाँ पे है क्योंकि ठाकुर नगर का मेला हो रहा है ना उसके लिए भाई सब जा रहा है, भीड़ तो देखो आई थिंक उसके अंदर ही जाऊंगा, वो सामने जो आप भीड़ देख रहे हो तो हाँ चलो अभी मरने जाते हैं या फिर पाताल में जाते हैं उस तरफ, बोनगन लोकल इस पाताल या पे पाताल भाई नरक का स्वाद आ जाएगा अभी वो भाई साहब। और इसके अंदर भाई टोटो भी है, पापा को तो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ क्योंकि, और ये सब देख रहा हूँ ये सब भाई ठाकुर नगर जा रहा है, एक मेला होता है हमारे वहाँ पे हमारे घर के पास ही, आई थिंक मैं भी एक दिन आऊँगा वहाँ पे जा रहा है इसके लिए भीड़ है, कल से है मेला शुरू। तो अभी मैंने भाई पापा को ढूंढ के नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए गेट के इस तरफ आने बोला, देखो कहाँ पे चले जा रहा है ये इंसान, अभी मैं कैसे ढूंढूं। और यहाँ पे भाई लिफ्ट का भी व्यवस्था है भाई, ऐसे कांच का लिफ्ट तो मैंने बाहर देखा है, यहाँ पे भी हो गया मैं नहीं जानता। हमारा ट्रेन 8:15 में है, अभी 8 ही बज रहा है, अभी कैसे जाऊँ। ये जो सेंटर है ना भाई यहाँ पे 9th floor है, 6, 7, 8 floor तक तो हमें नहीं जानता श्योरली बट वैसा ही कुछ है, मेरा पहली बार पढ़ा था 6th floor में, अभी पढ़ा है 2nd floor में। और इसके सामने ही एक क्या बोलूँ एक इंजीनियरिंग कुछ है, इंजीनियरिंग ऑफिस टॉफिस कुछ, और इसके पास सामने ही है ऐसा एक क्या बोलूँ, इसमें भाई सब जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी होता है वो हुआ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो ये था बिल्डिंग, मतलब गीतो वीतन इसका नाम है, बहुत सुंदर था। तो चलो एक बार लास्ट देख लेता हूँ